सभी को जय मसीह की। तो आज हम उत्पत्ति 12 अध्याय देखेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 17 से देखेंगे। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपने ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था जो बेतेल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। 13-4 तक पढ़ा। तो जैसे हम अपना आत्मिक जीवन जीते हैं तो मतलब कुछ चीजें हैं जिनसे हम बन जाते हैं और उनसे आजाद होना जरूरी है। तो सबसे पहले जहां हम पाप से बंधे हैं उससे आजाद होना जरूरी है। तो क्या आप लोग सब पाप के बंधन से आजाद हो गए? तो सुसमाचार सुन के उद्धार पाके हम पाप से मतलब आजाद हो गए। लेकिन बहुत से लोग मतलब वो कहते हैं कि वह परमेश्वर विश्वास करते हैं और वो चर्च जाते हैं लेकिन वो पाप से आजाद नहीं है। तो असलियत में वो पाप से आजाद नहीं है लेकिन फिर भी वो पाप से बंधे हुए हैं। तो परमेश्वर ने बोला है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो उनकी जो गलतियां हैं, जो कमी घटियां हैं, उनसे आजाद होने के लिए उनको कोशिश करना ऐसा नहीं है। तो बस उन्हें मसीह में प्रवेश करना है। तो अगर वे मसीह में प्रवेश करेंगे तो फिर वहां पे दंड किया क्या नहीं है। लेकिन मसीह के बाहर तो पाप ना करने की कोशिश करते हैं, तो पाप करने के बाद वो माफी मांगते हैं और मतलब वो कहते हैं कि अरे मैंने पाप किया है कि मैं कैसे मतलब मैं कैसे परमेश्वर के सामने जाऊं, मैं अगली बार मुझे पाप नहीं करना है। तो मतलब ऐसी बातों का परमेश्वर असलियत में कोई नाता नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग मूर्ख रूप से पाप से बंध कर अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब से हमने सुसमाचार सुना, जब हम पाप से आजाद हुए तो हमने क्या देखा? तो हमने रियलाइज किया कि हमें पाप से बंधने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा पाप पहले से ही क्षमा हो चुका है। तो जिस प्रकार हम पाप से आजाद हुए तो पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद
मतलब फिर से ऐसी चीज है जिसे आप बंधे हैं, जिसे आपको आजाद होना है। तो आपने पाप को क्षमा प्राप्त कर लिया है, तो पाप के बंधन से आप लोग छूट गए हैं। लेकिन बहुत सारे मसीही खुद से बंधे हुए होते हैं। तो अगर आप खुद से बंधे हुए बंधन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप आत्मिक रूप से मतलब बढ़ नहीं पाएंगे। तो आप परमेश्वर के कार्यकर्ता के रूप में कोई भी बहुमूल्य कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पाप से बंधने का कारण क्या है? तो शैतान मतलब लोगों के कामों को उन्हें दिखाता है और उन्हें पाप से बांध देता है। तो शैतान मनुष्य को खुद से बांध देता है। तो मतलब हमने क्या अच्छा किया, हमने क्या बुरा किया, मतलब हम ऐसी बातों से बंध जाते हैं और अपने आप को देखते रहते हैं। आज मैंने अच्छा किया या नहीं किया, मैंने आज विश्वास से अपना जीवन जिया या नहीं जिया। तो अपने आप के बंधन में लोग बंधे रहते हैं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को, तो अब्राहम को परमेश्वर ने मतलब अपने आप के बंधन से बाहर निकल के जीने का जीवन सिखाया। तो अब्राहम ने बहुत जल्दी इस विश्वास को सीख लिया। तो उत्पत्ति 12 में हम देखते हैं कि मतलब कैसे अब्राहम ने इस चीज को सीख लिया। वो अपने आप से नहीं बंधा, वो अपनी कमियों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी गलतियों से, अपने दोष से, मतलब अपनी घटियों से वो नहीं बंधा और वो वहां से बाहर निकल सका। तो कैसे वो वहां से बाहर निकल सका? तो उत्पत्ति 12 अध्याय को अगर आप देखते हैं तो 1 से 9 तक हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, और फिर 10 से 20 तक हम फिर अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्पत्ति 12 को मतलब 2 भागों में बांटा गया है, मतलब 12 अध्याय का पहला भाग और 12 अध्याय का दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में जो अब्राहम है तो ये विश्वास से आगे बढ़ रहा है। नहीं मतलब पहले भाग में विश्वास से आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर ने बोला कि तुम उस देश में चले जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और तुम वहां मतलब मैं जाओ, और मतलब अब्राहम को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चला गया। इब्रानियों 11 में भी लिखा है कि अब्राहम मतलब विश्वास से अब्राहम मतलब उस जगह जा सका जहां उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उस जगह पे जा सका। लेकिन उत्पत्ति 12 के 10 अध्याय से 10 वचन से अगर हम देखें, जब मतलब परमेश्वर के दिखाए गए देश में अकाल पड़ गया तो वो मिस्र चला गया। और ना केवल उसने इतना किया, उसने वहां जाके इंसानी तरीकों का प्रयोग किया, और जब उसे महसूस हुआ कि अरे मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, और जब उसे ऐसा लगने लगा कि मेरी पत्नी की वजह से मतलब लोग मुझे मार डालेंगे और मेरी पत्नी को छीन लेंगे, तो उसने मतलब झूठ बोलना शुरू कर दिया कि ये मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। तो चाहे उसने इस प्रकार के इंसानी तरीकों का प्रयोग करके अपने आप की रक्षा करने की कोशिश की, तो मतलब मान लो कोई और अगर उसकी पत्नी को छीने की कोशिश करता तो वो शायद मना करता, लेकिन क्योंकि अब वो झूठ बोल चुका है कि मेरी बहन है, और मतलब कोई बोलेगा कि अरे तेरी बहन तो बहुत सुंदर है, मुझे तेरी बहन से मतलब शादी करनी है, अगर कोई और बोलता तो वो शायद मना कर देता, लेकिन राजा बोल रहा है कि मुझे तेरी बहन शादी करनी है, और वो उसे ले गया, तो उसने अपने पत्नी को खो दिया। तो 12 अध्याय के फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि अब्राहम के पास मतलब बहुत विश्वास है, वो विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन 12 अध्याय के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि बिल्कुल उसका बुरा हाल है, उसके पास कोई विश्वास नहीं है। तो जब अब्राहम ने अपने आप का रूप देखा जिसके पास बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो अपने आप से बंधने की बजाय या फिर अपने आप को दोषी ठहराने की बजाय, रोमियो 14 अध्याय को अगर हम देखते हैं, रोमियो 14:22,
तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख, धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। तो यहाँ लिखा है कि तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। तो इसका मतलब क्या है? तो लोग मतलब खुद से अपने मन से विश्वास को फेंक देते हैं। हाँ मेरे पास विश्वास नहीं है, मैं बहुत शारीरिक हूं, तो अपने आप से वो अपने विश्वास को फेंक देंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने विश्वास को अपने मन में रख। तो धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। तो उद्धार पाए हुए मसीह को तो रोमियो 8 के 1 वचन के समान तो दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन बहुत सारे मसीही अपने आप को दोषी ठहराते हैं। अरे मैं तो विश्वास से नहीं जी पाया, हाँ मैंने तो इंसानी तरीकों का प्रयोग किया, और अब्राम मैं तो मतलब मिस्र चला गया और मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, तो मैंने कितना गलत किया, मेरे पास बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो मतलब अब्राहम अपने आप को दोषी ठहरा सकता है इन बातों की वजह से, लेकिन वो खुद से नहीं बदा। तो अपनी कमियों घटियों से वो बदा नहीं, तो क्यों वो अपने आप से बदा नहीं, क्यों अपनी कमियों से नहीं बदा? तो वो चीज उत्पत्ति 12 में बताई गई है। उत्पत्ति 12 का 17। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह मेरी पत्नी है? तो 17 में, तो यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। गलती किसने की है यहाँ पे? तो गलती अब्राहम की है। तो यहाँ फिरौन ने कुछ गलत किया ही नहीं है, मतलब अब्राहम ने बोला कि ये मेरी बहन है, तो उसने उस बहन को अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन उसके ऊपर विपत्ति आ गई। तो फिर मतलब फिरौन और अब्राहम को बोलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो क्यों मुझे तूने नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? तो तेरे वजह से मेरे ऊपर श्राप आने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ नहीं बोला। तो परमेश्वर अब्राहम के साइड पे था, चाहे अब्राहम ने गलती की, चाहे बिना विश्वास के वो मिस्र चला गया और उसने इंसानी तरीकों का प्रयोग किया, अपनी पत्नी को खो दिया, परमेश्वर ने कहा कि अच्छा अच्छा हुआ, देख रहा हूं मैं तुझे, देख तूने विश्वास से अपना जीवन जिया, इसलिए तो तू इतनी मुश्किल में है। ये बोल के परमेश्वर को फेंक नहीं दिया, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए काम किया, परमेश्वर ने फिरौन के घर में विपत्तियां भेजी। तो जब उसने ये देखा तो अब्राहम देख सका कि परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे मैं शारीरिक हूं, चाहे मेरे पास विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए काम करता है। तो इसीलिए अब्राहम अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सका। तो बहुत सारे लोग जो वो ठीक समझते हैं उसके हिसाब से अपने आप को दोषी ठहराते हैं। हाँ मेरे पास तो विश्वास नहीं है, मैं तो कमियों से भरा हूं, तो इस प्रकार से लोग खुद से बंध कर अपना जीवन जीते हैं। लेकिन उत्पत्ति 12 से अब्राहम सच में उस बंधन से छूट सका। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के मन का आविष्कार किया। यशाया
यशाया 42, यशाया 42 का 9, 8 और 9। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। सॉरी, यशाया 41 का 8। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझे तजा नहीं, मतलब परमेश्वर हमें नहीं फेंकता, उसने हमें चुना है। और हमें चुनने के बाद तो हम इतने कमियों, कमजोरियों, घटियों से भरे हुए हैं, लेकिन क्या ये देख के परमेश्वर हमें फेंक देता है? ऐसा नहीं है। कितने भी हम निकम्मे हो, कितने बेकार हो, तो परमेश्वर बोला कि वो हमें नहीं त्यागता है। 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो जब अब्राहम की पत्नी छीन ली गई थी और वो डर डर में था, तो कैसे उसकी पत्नी उसे वापस मिल सकती है? जब राजा उसे ले गया है, फिरौन उसे ले गया है, तो अब्राहम के पास मतलब काबिलियत नहीं है, ताकत नहीं है कि अपनी पत्नी को वापस ले आए। जब अब्राहम डर में था, निराश में था, दुखी था, तब परमेश्वर अब्राहम की ओर खड़ा रहा और परमेश्वर अब्राहम के लिए काम किया। परमेश्वर ने फिरौन के घर में विपत्तियां भेजी और परमेश्वर ने काम किया कि उनकी पत्नी उसके पास लौट आए। मत डर, तो मैं तेरे साथ हूं, तू इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तो अब्राहम ने इस परमेश्वर को अनुभव किया। 13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इसराइल के मनुष्यों, मत डरो क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। तो परमेश्वर बोला कि कीड़े सरीखे याकूब, इसका मतलब क्या हुआ? तो कीड़े सरीखे याकूब, तो क्या परमेश्वर ने बोला कि सुंदर याकूब, अच्छे याकूब, भले याकूब? तो यहाँ पे थोड़े बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, तो अगर कोई आपके बच्चे को बोले कीड़े जैसा बच्चा, तो माँ को अच्छा लगेगा ऐसी बात सुन के? तो माँ बोलेगी कि मेरा इतना प्यारा बच्चा है और आप कैसे उसे कीड़ा सरीखा बोल रहे हैं? तो गाली देने के बराबर बात है, राइट? तो जब इंडिया में कोई सुंदर होता है तो उसको किससे कंपेयर करते हो? तो कौन से जानवर से कंपेयर करते हो? तो जानवर के साथ कंपेयर नहीं करते आप, जैसे कोई प्यारा लग रहा है। तो मतलब फूल जैसा बोलते हैं हम। तो हम मतलब खरगोश बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लोमड़ी जैसी पत्नी और खरगोश जैसे बच्चे, कोरिया में ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं बोलते कि कीड़े जैसा। लेकिन बाइबल, हे कीड़े सरीखे याकूब, तो कीड़े को देख के आप क्या सोचते हैं कि कितना घिनौना है, कितना बुरा है? प्यारा लगता है क्या आपको कोई कीड़ा? तो आपको मन करता है उसको उठा के अपनी जेब में रख लो?
तो हे कीड़े सरीखे याकूब, तो चाहे याकूब तुम इतने बेकार हो, इतने निकम्मे हो, मतलब किसी काम के नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मत डरो, क्योंकि फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। तो अब्राहम ने उस परमेश्वर के मन का आविष्कार किया। तो जब मैंने अपने पिता के घर को छोड़ा विश्वास से, तो जिस पॉइंट पे मैंने विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाया, ना कि वो तब परमेश्वर मुझसे खुश था, चाहे मैं विश्वास बिना विश्वास के मिस्र में आ गया, और चाहे मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, इंसानी तरीकों का प्रयोग किया, तो कुछ बेकार इंसान हूं, फिर भी परमेश्वर मुझे त्यागता नहीं है, परमेश्वर फिर भी मुझसे प्यार करता है, और फिर भी परमेश्वर मेरी सहायता करता है। तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर विपत्ति नहीं भेजी, फिरौन के घर पे विपत्ति भेजी। तो अब्राहम ने जिसे वो सही समझता है उस हिसाब से अपने आप को उसे दोषी नहीं ठहराया। अगर आप लोग को सेवकाई करनी है तो इस मामले में आपके मन में एक सीधी लकीर होनी चाहिए। बहुत सारे पास्टर्स वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं, मेरे पास विश्वास नहीं है, मैं बाकी पास्टर से कमजोर हूं, मैं पास्टर बनने के लायक नहीं हूं, मुझे तो छोड़ ही देना चाहिए। तो क्या मैं इंतजार करूं मिशनरी बोले सेवकाई छोड़ दो, या फिर मैं खुद ही छोड़ दूं? तो वो हमेशा अपने आप को दोषी ठहराते हैं। तो उस मामले में आपके मन में एक सीधी लकीर होनी चाहिए। तो अगर आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं तो आप परमेश्वर के मन को तुच्छ मानते हैं। तो हम अपने आप को अगर दोषी ठहरा रहे हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह के लहू को तुच्छ मान रहे हैं। यीशु मसीह के लहू ने अगर हमें धर्मी ठहराया है तो हमें विश्वास करना है। और परमेश्वर को खुश करना क्या है? बिना अपने आप को दोषी ठहराए, बिना दंड की आज्ञा के अपना जीवन जीना परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि उसने वादा किया है कि वह हमें नहीं फेंकेगा, वो जरूर हमारी सहायता करेगा। तो चाहे मेरा कमियों कमजोरियों से भरा हुआ रूप प्रकट हो, क्या ऐसे मेरे साथ परमेश्वर है? क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा? तो मुझे तो लगता है परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा। तो उस सोच को फेंक दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का मन नहीं है, वो शैतान का मन है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि धन्य वो है जो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। तो आपके पास कोई भी कमियां घटियां हो, कोई भी आपकी गलती हो, लेकिन जो आपको सही लगता है उस हिसाब से अपने आप को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि वो परमेश्वर का मन नहीं है। तो धन्य वो है जो अपने आप को अपनी धार्मिकता से दोष नहीं ठहराता। अब्राहम ने मतलब इस मन को आविष्कार किया। तो जब जब अब्राहम की कमी घटियां प्रकट हुई, तो हम कहीं भी ये नहीं देख सकते कि अब्राहम ने खुद को दोषी ठहराया हो। तो फिर से मतलब एक ऐसा हादसा होता है कि अब्राहम मतलब धोखा देता है कि मेरी मेरी मतलब बहन है, लेकिन फिर भी अब्राहम अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। तो आप लोग कोई भी आप लोगों के अंदर कमी घटी हो, तो जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर के मन को स्वीकार किया, हाँ चाहे मुझसे ऐसी गलती हो गई, चाहे मैं ऐसा शारीरिक व्यक्ति हूं, चाहे मैं इतना बेकार इंसान हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरी मदद करता है, परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मुझे नहीं त्यागता। तो उस मन से अब्राहम मतलब अपने आप से आजाद हो सका। तो उसके बाद उत्पत्ति 13 में जब हम देखते हैं, तो अब्राहम एक अद्भुत विश्वास की दुनिया में प्रवेश कर सका। अगर आप लोगों को सेवकाई करनी है तो आप लोगों को भी उसी विश्वास की दुनिया में प्रवेश करना है जिसमें अब्राहम प्रवेश किया। अगर आप भाई बहन हैं तो हाँ आप ऐसे ही मतलब जी सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेवकाई करनी है तो
आपको जरूर अब्राहम के इस उत्पत्ति तेरा के विश्वास की दुनिया में प्रवेश करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पास्टर या सामुनिम तो शैतान आप पे हमला करेगा। वो तो भाई बहन से ज्यादा तो आपको ये जानना है कि शैतान आपको ज्यादा परीक्षा में डालने की कोशिश करता है कि आप गिर जाएं। वो बहुत से शिकंजे आपके लिए तैयार करता है और वो आपको आपके अपने शिकंजे में इतना फंसा लेना चाहता है कि आप हिल ना सके। तो कुछ पास्टर्स जो सेवकाई करते हुए गिर जाते हैं और कुछ जो कि सेवकाई करते हुए अपने आप से बंधे हुए हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं लेकिन विश्वास से कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। तो शैतान ने उनको पकड़ रखा है कि वे बहुमूल्य परमेश्वर के सेवक ना बन सके। तो 13 में अब्राहम ने क्या विश्वास सीखा? एक तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। तो अब्राहम मिस्र जाके वापस आया है तो अकाल पड़ गया था, इसीलिए वो मिस्र गया था। और जब वो वापस आया तो उसके पास भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का वो बड़ा धनी हो क्या है? तो ये कैसे हो गया? तो अकाल की वजह से सब कुछ खो जाना चाहिए था, पत्नी को भी खो जाना चाहिए था, कुछ उसका लुट जाना चाहिए था। लेकिन वो अपनी पत्नी अपनी सारी संपत्ति लूट भी साथ में है, किसी चीज कमी घटी नहीं और वो वापस आ गया है। तो अब्राहम फिरौन ने जब अब्राहम की पत्नी को ले लिया था, 16 जब हम देखते हैं, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधी और ऊंट मिले। तो उत्पत्ति 12 का 16 वचन पढ़ा, अब्राहम की पत्नी को जब फिरौन ले लेता है तो उसके एक्सचेंज में उसको बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, बहुत सारी चीजें देता है। और फिर जब तो पता चलता है कि ये तो इसकी पत्नी है तो बोलता है कि ठीक है तेरी पत्नी ले और तू जा। तो अच्छा ठीक है, जो जो मैंने तुझे दिया था वो सब वापस कर दे। ऐसा क्या उसने वापस लिया? उसने कुछ वापस भी नहीं लिया। तो अब्राहम के पास सोने चांदी भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ ज्यादा हो गया। तो अब्राहम ने क्या आविष्कार किया कि मैंने जो किया वो तो मेरे कामों के हिसाब से मुझे सब कुछ खो देना चाहिए था, लेकिन देखो उल्टा मैं और धनी होके वापस आ गया। तो अब्राहम ने क्या रियलाइज किया? तो उसने रियलाइज किया कि जिस दुनिया में मैं जी रहा हूं उसमें कुछ भी मेरे वजह से नहीं है, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं विश्वास से अपने पिता के घर को पहले छोड़ के आया, उस विश्वास की वजह से कुछ अच्छा हुआ ऐसा भी नहीं है। मैंने चाहे गलती की, मैं मिस्र चला गया और मैंने झूठ बोला, मैंने जो भी गलतियां की उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसने परमेश्वर की उस दुनिया की खोज की कि परमेश्वर मेरे बावजूद काम करता है। इसलिए 13:3 में फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। तो जहां उसने पहली बार वेदी बनाई तो वहां उसने अब्राहम के नाम को पुकार यहोवा के नाम को पुकारा, यहोवा को पुकारा। यहोवा शब्द का अर्थ क्या है? तो यहोवा शब्द का अर्थ है
मैं हूं जो हूं। तो अब्राहम ने उस यहोवा का नाम पुकारा कि परमेश्वर तू है जो है, तू यहोवा है, तो तू अपने आप काम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे अंदर क्या कमी कड़ी है या मेरे अंदर क्या शर्त है उसके बावजूद, मैं क्या अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं उसके बावजूद, तो तू वो परमेश्वर है जो खुद से काम करता है। तो अब्राहम ने उस परमेश्वर को पुकारा। तो अब्राहम ने 13 में क्या आविष्कार किया, तो उसने वेदी के आत्मिक जीवन को आविष्कार किया। ये वेदी क्या है? वेदी वो जगह है जहां सब कुछ भस्म कर दिया जाता है। तो जो भी जानवर उस वेदी पे रखा जाता है उसको थोड़ा सा भी बाकी नहीं छोड़ा जाता, उसको तब तक जलाया जाता है जब तक सब कुछ राख ना बन जाए। चाहे किसी बछड़े की बलि चढ़ाई जाए, चाहे किसी भेड़ की बलि चढ़ाई जाए, चाहे किसी कबूतर की बलि चढ़ाई जाए, या फिर कोई भी जानवर बलि चढ़ाया जाए, अगर वो वेदी के ऊपर है तो उसे जला के भस्म कर दिया जाता है। ये वेदी का आत्मिक जीवन है। तो मेरी भलाई भी जल जाती है, मेरी बुराई भी जल जाती है, सब कुछ भस्म हो जाता है। शुरुआत में 12 में अब्राहम ने जो अच्छा किया वो उसके मन में बाकी था। अरे देखो, मैंने विश्वास से अपने पिता का घर छोड़ दिया, देखो मैं परमेश्वर वचन के अनुसार कनान में आ गया। तो अब्राहम के मन में ये सब बातें बाकी थी कि देखो मैं भी तो विश्वास से जिया हूं। लेकिन जब वो मिस गया, उसकी कमियां घटियां उसकी गलतियां, तो वो चीजें भी उसके मन में बाकी थी। तो बहुत सारे पास्टर्स के मन में, तो कुछ पास्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब अपनी कमियों कमजोरियों अपने मन में नहीं रखते, लेकिन जो उन्होंने विश्वास से किया ऐसी बातों को अपने मन में रखते हैं। और देखो मैंने ये भी विश्वास से किया, मैंने वो भी विश्वास से किया, मैंने अनुग्रह पाया, तो वो उन चीजों को बाकी रखते हैं। तो अपनी कमियों घटियों को बाकी नहीं रखते, केवल जो उन्होंने अच्छा किया उसको बाकी रखते हैं। तो ऐसे लोगों का मन ऊंचा होता है। तो बाइबल में बहुत जगह हमें बताया गया है कि घमंड करना मतलब बहुत खतरनाक बात है। तो घमंड मतलब हमारे नाश का कारण है, और मतलब हमारे गिरने की शुरुआत है। तो जो व्यक्ति मतलब घमंडी होता है, मन ऊंचा होता है, उसको मतलब डांटो मत, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हें उल्टा नफरत करेगा। क्योंकि जो किसी व्यक्ति का मन ऊंचा होता है तो उसको तुम डांटोगे, उसे फटकारोगे, वो तुम्हें उल्टा मतलब घृणा करेगा। क्योंकि उनके मन में जो उन्होंने अच्छा किया वो बाकी है। और विपरीत रूप से जो लोग हमेशा अपनी कमियों से बंधे हैं, तो अपनी गलतियां, अपनी कमियां, जो उनसे गलत हो गया, तो वो इसलिए है क्योंकि अब्राहम ने जिस आत्मिक जीवन का आविष्कार किया वह उस आत्मिक जीवन का आविष्कार नहीं कर पाए। तो हमने जो अच्छा किया उसको भी जलाना जरूरी है, जो हमने गलत किया उसको भी जलाना जरूरी है। वेदी और कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। तो वहां हम यहोवा के नाम को पुकार सकते हैं, यहोवा तू परमेश्वर है, प्रभु तू अपने आप काम करने वाला परमेश्वर है, तू वो परमेश्वर है जो मेरे बावजूद काम करता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तेरे नाम को आशीष दूंगा, और तुझे मैं आशीष का सोता बनाऊंगा। तो परमेश्वर अब्राहम के द्वारा, सारे के द्वारा, परमेश्वर उनके द्वारा एक संतान उत्पन्न करना चाहता था, उनके द्वारा एक बड़ी जाति बनाना चाहता था। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी? तो परमेश्वर सारा के द्वारा सच में
किसी को मतलब एक संतान उत्पन्न करना चाहता था। तो अब्राहम के पास एक्चुअली में बच्चा नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि दमिश्क की एलियाजार ही मेरा मेरा वंश कहलाएगा। लेकिन परमेश्वर बोला कि नहीं, वो तेरी देह से उत्पन्न होगा, वो तेरा वंश कहना चाहेगा। तो फिर अब्राहम ने क्या किया कि उसने हाजरा को ले लिया और इश्माइल को पैदा किया। और जब वो इश्माइल से अपेक्षा रखा हुआ था तो परमेश्वर बोला कि नहीं, जो सारे के द्वारा उत्पन्न होगा वो तेरी संतान कहलाया जाएगा। तो परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि सारा के द्वारा अब्राहम की संतान उत्पन्न होगी। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने उस सारा को अब्राहम को बेच दिया, सॉरी फिरौन को बेच दिया। क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी? क्या वो परमेश्वर की योजना के मार्ग पे चला या परमेश्वर की योजना को घिराने के काम के मार्ग पे चला? तो परमेश्वर सारा के द्वारा अब्राहम को बेटा देना चाहता है, लेकिन उल्टा अब्राहम क्या करता है, उसी सारा को फिरौन को बेच देता है। तो सही बात है, नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने ऐसा किया तो भी कोई बात नहीं, चाहे उसने ऐसा किया तो भी परमेश्वर अपनी इच्छा खुद पूरी करेगा। परमेश्वर ने, अब्राहम ने ये आविष्कार किया, मैं चाहे परमेश्वर की इच्छा के विपरीत मार्ग पे चलू, तो परमेश्वर सब कुछ पलट के रख सकता है और परमेश्वर तब भी अपनी इच्छा को पूरा करता है। तो वो यहोवा परमेश्वर है। तो मेरे अंदर जो नियम या शर्त है, मैं जो हूं, उसके बावजूद परमेश्वर अपनी योजना अपने मन के अनुसार काम करता है। वो परमेश्वर हमारे अंदर किसी नियम या शर्त में वो कोई अपेक्षा नहीं रखता। आप बहुत ही मतलब किसी चीज में बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। और उल्टा आप बहुत ही कमी कमजोरी से भरे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो चीजें परमेश्वर के लिए बाधा नहीं बन सकती, वो फिर भी अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। आपके मन में अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो उस यहोवा परमेश्वर विश्वास करने की जरूरत है। वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी आकाश की सृष्टि की, उसे मनुष्य के किसी मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करता है। तो पहले दिन से लेके छठे दिन तक परमेश्वर ने किसी मनुष्य की सहायता नहीं ली। तो उसने पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, मतलब उसने अपनी इच्छा को खुद पूरा किया। तो जिस विश्वास की खोज अब्राहम ने की, जिस आत्मिक जीवन जिसकी खोज अब्राहम ने की, अगर आप मतलब वेदी के आत्मिक जीवन को सीख जाएंगे तो मतलब आप अपने आप से बताएंगे नहीं। तो अब्राहम इस सच्चाई को जान सका। हाँ, मैं कमी कमजोरियों से भरा हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर जो मेरे साथ है तो वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो खुद काम करने वाला परमेश्वर है। वो मेरी कमी घटी के बावजूद, वो बहुत सारे पास्टर जब वो घमंडी हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैंने सेवकाई अच्छी की, वो सोचते हैं कि मेरे वजह से ये काम उत्पन्न हुआ, और अपनी धार्मिकता उनके अंदर आ जाती है। और जब उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो सेवकाई छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होने से चर्च पे कोई असर पड़ता है? अगर केवल यहोवा परमेश्वर मौजूद है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, तो केवल जो चर्च छोड़ के जाता है उसका नुकसान होता है। केवल जो चर्च छोड़ के जाता है वो खुद मतलब बेवकूफ निकलता है, क्योंकि उसके जाने के बावजूद भी चर्च को कोई असर नहीं पड़ता। तो परमेश्वर कहता है कि मैं पत्थर में से भी अब्राहम के वंश को बना सकता हूं। तो पास्टर लोगों को क्या जाना जरूरी है? आपको ये जाना जरूरी है कि आपने कुछ नहीं किया है, सब कुछ यहोवा परमेश्वर के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो भी बैठे हैं, अगर आप नहीं भी होंगे,
परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि इंडिया में अपनी इच्छा को योजना को पूरा करेगा, उसे हमारे अंदर किसी नियम या शर्त की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या अच्छा करूं क्या बुरा करूं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के मन में, आपके मन में मतलब वेदी आत्मिक जीवन होना चाहिए। जो आप अच्छा करें जो आप बुरा करें उन सबको भस्म होना जरूरी है। वहां पे आपको यहोवा के नाम को पुकारना है। अगर आप इस दुनिया में प्रवेश करेंगे तो फिर आपके बावजूद एक वो दुनिया को आप देख सकेंगे जो कि यहोवा परमेश्वर के द्वारा है। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी को बेच दिया, लेकिन कैसे, मतलब 13 अध्याय में उसको, उसके पास पत्नी भी है और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति भी है। ये हम बोल सकते हैं कि वादे की ताकत है। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया है, यहोवा ने कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो क्योंकि परमेश्वर उसको वादा दे चुका है, तो अब्राहम जो भी है उसके बावजूद तो परमेश्वर इस वादे को पूरा करेगा। तो ऐसा अपनी सेवकाई कर रहे हैं। तो आप कोई भी प्रॉब्लम का सामना क्यों ना करें, तो अगर आप उस परमेश्वर को जान जाएंगे जो अपने वादे के अनुसार काम करता है, तो ये आपके आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। तो आप बहुत ही अद्भुत विश्वास की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो वादे पे निर्भर करने का आत्मिक जीवन आप कैसे सीख सकते हैं? तो अब्राहम ने विश्वास की खोज की, मैं भी अब्राहम के समान, मैं क्या अच्छा करता हूँ या क्या बुरा करता हूँ उसके बावजूद परमेश्वर जो अपने वादे के अनुसार काम करता है, तो मैं भी उस आत्मिक जीवन को सीखना चाहता हूँ। अगर आप आज रात का वचन अच्छी तरह सुनेंगे तो आप सब उस आत्मिक जीवन में प्रवेश कर सकेंगे जो कि वादे पे निर्भर करने का आत्मिक जीवन है। तो सबसे पहले हम यशाया 49 देखेंगे। यशाया 49 का 6 वचन। उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। तो उद्धार पाने के बाद मुझे पता चला कि मिशनरी स्कूल नाम की जगह होती है। तो मैंने पूछा कि कौन मिशनरी स्कूल जाता है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको मिशनरी स्कूल जाना है तो तुम्हारे पास कोई खास वरदान होना चाहिए और तुम्हारे पास मतलब वादे का वचन होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास वरदान है या नहीं है। तो मुझे बताया गया कि तुम्हारे पास वादे का वचन होना चाहिए। तो मुझे कभी मतलब वादे का वचन नहीं मिला था। तो एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो मतलब मैं यशाया की किताब पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं 49 चैप्टर पे पहुंच गया और पढ़ते पढ़ते मैं 6 वचन पे पहुंच गया। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि मैं तो याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। तो मैंने सोचा कि ये परमेश्वर ने मुझे वादा किया है। तो मुझे बताया गया था कि मतलब मिशनरी स्कूल जाने के लिए वादा होना चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि ये वादा परमेश्वर का दिया हुआ वादा है। तो अगर कोई मुझसे पूछता था तो तुम्हारे पास मिशनरी स्कूल जाने के लिए वादे का वचन है,
तो मैं बोलता था यशाया 49 का 6 वचन, कि मतलब परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तू मेरा सेवक ठहरेगा और मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि मैं तेरा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की ओर से एक दूसरे से दूसरी ओर फैल जाए। तो फिर मैं मिशन स्कूल चला गया, और फिर ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मेरे द्वारा कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य उत्पन्न हुआ, तो लगातार मेरा शारीरिक रूप प्रकट हुआ। तो शुरू शुरू में तो मैं मतलब बहुत नर्वस था, और मतलब अच्छे से मिशनरी स्कूल का स्केड्यूल फॉलो कर रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम जब आगे बढ़ा तो मैंने मैंने मतलब अपने मतलब चाल चलनी शुरू कर दी, और मतलब मेरे द्वारा कोई फल उत्पन्न नहीं हुए, और मतलब मेरे बहाने वगैरह ज्यादा हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा ही चलता रहा तो मुझे निकाल दिया जाएगा। क्या आप लोगों ने भी ऐसा सोचा है? हाँ, मेरे द्वारा कोई टैलेंट, कोई फल, कोई वरदान प्रकट नहीं हो रहा, मुझे तो मिशनरी स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा। तो जब मैंने वादे के वचन के बारे में सोचा, तो परमेश्वर क्या वादा किया है? परमेश्वर बोला है कि मैं तुझे ज्योति बनाऊंगा। तो ये वादा अभी मेरे मन में हिलने लग गया। वो तो कैसे मेरे, तो मतलब शैतान ने मेरे मन में बोला कि परमेश्वर ने तुझे कोई वादा नहीं दिया, तो तूने जबरदस्ती मतलब इस वादे को पकड़ा है, क्योंकि तुझे मिशन स्कूल जाना था। तो मतलब ये तो तू बाइबल पढ़ रहा था, ये वचन अचानक से आ गया और तुझे लगा अच्छा वचन है, इसलिए तूने जबरदस्ती से अपना वादा बना लिया। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, हाँ मैंने जबरदस्ती इस वचन को अपना वादा बनाया है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं किस पे आशा रखूं? तो मैं डर में था कि मुझे मतलब मिशन स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक और वचन था जिसने दोबारा से मेरे मन को पकड़ा, वो मत्ती 11 का वचन है। तो मत्ती 11 का 11, मत्ती 11 का 12। योहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। जब मैंने ये वचन पढ़ा, तो वचन कह रहा है कि मतलब योहन्ना के दिनों से अब तक मतलब स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहाँ स्वर्ग लिखा हुआ है, स्वर्ग के राज्य। तो मैंने इस वचन में परमेश्वर का वादा लिख के पढ़ा, परमेश्वर का वादा, तो वो मतलब स्वर्ग की वस्तु है, तो मतलब बलवान उसे छीन लेते हैं, तो जो बलवान है वह उस वादे को छीन लेगा। तो परमेश्वर का वादा, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मेरे सपने आए सपने में आएगा और बोलेगा अरे छेहो मैं तुझे ये वचन देना चाहता हूं। तो बलवान उस परमेश्वर के वचन को छीन लेता है, मतलब बलपूर्वक हम मतलब जबरदस्ती से उस वचन को अपना बना लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा। तो उधार भी हम ऐसे ही पाते हैं, सही है? तो मैं उनके पाप और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हाँ, परमेश्वर ने ये वादा मुझे दिया है। हाँ, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे आपको और अधर्म के काम को स्मरण नहीं करूंगा। हम बल से अगर उस वचन को अपना बना लेंगे तो हमारा हो जाएगा, सही है? तो परमेश्वर के वादे का वचन भी सेम है। तो अगर हम मतलब ये मान लेंगे कि बाइबल में जो भी परमेश्वर बोल रहा है वो मुझसे बोल रहा है, तो वो वादा मतलब वो वचन मेरा हो जाएगा। तो मेरा मन चाहे बहुत डगमगा रहा था, लेकिन फिर से मेरा मन जैसे स्थिर हो सका। अब परमेश्वर ने बोला है कि वो मुझे मतलब ज्योति बनाएगा, और परमेश्वर ने बोला है कि वो मेरे द्वारा काम करेगा। तो मैं ऐसा हूं या वैसा हूं या मैं जो भी हूं, तो मैंने दोबारा परमेश्वर के वचन पर निर्भर किया और ताकत प्राप्त की। तो वादा बलपूर्वक जो उसको छीन लेता है उसका है। तो जब मैंने ये रियलाइज किया, जब जब मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई,
जब भी मैंने किसी मुश्किल का सामना किया, जब मैंने ऐसी परिस्थिति को देखा कि मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, तो मैंने बलपूर्वक परमेश्वर के वादे को लेना शुरू किया। हाँ, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए परमेश्वर के वादे का वचन कहाँ है? तो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किल है, तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वादे का वचन कहाँ है? तो मैंने खुद उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश नहीं की, तो मैंने परमेश्वर के वादे को ढूंढना शुरू किया और परमेश्वर के वादे में निर्भर करना शुरू किया। और अद्भुत बात क्या थी, तो परमेश्वर ने एग्जैक्टली उस वचन के अनुसार काम किया। तो जब भी मेरे पास मुश्किलें या परेशानियां आई, तो मेरा काम केवल वादे को ढूंढना था और मेरे को सिर्फ उस वादे से जुड़ना था। तो पहली बार जब मैं सेवकाई के लिए गया था, तो बिल्कुल गांव साइड का, जैसे कोरिया का चर्च था, गांव था, छोटे से शहर में था, और वहां पे बहुत कम क्रिश्चियंस थे। बहुत ही थोड़े रूढ़िवादी लोग थे वहां के, बुद्धिस्ट लोग थे। तो मेरे से पहले जो पास्टर वहां सेवकाई कर रहे थे, उन्होंने 3 साल सेवकाई की, लेकिन सिर्फ 4 मेंबर्स थे। तो मैं जब वहां भेजा गया, तो मैंने सोचा कि मुझे अच्छा करना पड़ेगा, तो मुझे इस चर्च को सही करना पड़ेगा। मैंने ऐसा मन नहीं रखा, तो मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे मुश्किल कलीसिया में भेजा है, तो क्या परमेश्वर मुझे एक वादे का वचन ही देगा जिसके द्वारा ये मुश्किल सुलझ सके? तो परमेश्वर के वादे की खोज की, तो परमेश्वर ने मुझे एक वादे का वचन दिखाया। यशाया 43 का वचन है, यशाया 43 का 43:4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से की रोक मत रख, मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। तो परमेश्वर ने बोला कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से वो मेरे पुत्रों को इकट्ठा करेगा। तो सबसे पहले मैं यंगजू नाम के शहर में मेरे फर्स्ट सेवकाई शुरू की थी। तो मुझे, मेरे मन में ये वचन पढ़ के ऐसा मन आया कि इस शहर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से परमेश्वर लोगों को इकट्ठा करेगा। तो मुझे ऐसा मन आया कि अगर ये वादे का वचन मेरे पास है, तो काफी है। चाहे यहाँ पे किसी ने उद्धार नहीं पाया, और चाहे यहाँ पे उद्धार का कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है, और चाहे मैं अब इस चर्च में आया हूँ, लेकिन सच में मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अच्छा करना ऐसा नहीं है। तो मैंने वादे पर निर्भर किया, और बहुत ही अद्भुत रूप से तो उस सिटी के उत्तर में एक दूसरी सिटी थी, उस सिटी का नाम डोंगा था, बोंगा था उसका। तो बोंगा शहर के कुछ लोगों ने उद्धार पाया और वो यंगजू चर्च से जुड़ गए, और फिर एक छियांग चर्च, छियांग शहर था, वहां से किसी ने उद्धार पाया और हमारे चर्च से जुड़ गया। बुंगी शहर से कोई व्यक्ति आया, उसने उद्धार पाया और हमारे चर्च से जुड़ गया। सचमुच में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लोगों को इकट्ठा कर दिया, और उद्धार पाए हुए लोग चर्च में भर गए। क्या सोचा, मैंने अगर ये वादा नहीं पाया होता, तो अगर मैंने ये वादा यीशु बाइबल से प्राप्त किया होता कि इस नगर के लोग उद्धार पाएंगे, इस नगर के लोग
इस नगर में मेरे लोग होंगे तो फिर इस शहर के लोग उद्धार पा लेते, लेकिन मुझे ऐसा वादा मिला कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से तुम्हारे लोग तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए दूसरे शहरों से कितने लोगों ने लाइक उद्धार पाया, लेकिन एनी हाउ उद्धार पाया वो अच्छी बात है, चाहे इस शहर से पाया दूसरे शहर से पाया। और मतलब कुछ समय के बाद हमारा चैपल लोगों से भर गया, तो परमेश्वर ने मतलब एग्जैक्टली अपने वादे के अनुसार काम किया। तो हमारे बावजूद अब्राहम ने मतलब वो क्या कहते हैं सच्चाई का आविष्कार किया। तो परमेश्वर जो कि अपने वादे के अनुसार काम करता है, मैंने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया, तो वह अपने आप के बंधन से छूट सका और वह वादे पर निर्भर करना सीख सका। तो मैंने भी उसी प्रकार वादे पर निर्भर करने की आत्मिक जीवन को सीखा। जब भी मैंने मुश्किलों का सामना किया तो सेवकाई करने के दौरान जब भी मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, तो एक बार क्या हुआ कि हमारा एक भाई मतलब मोटरसाइकिल पे जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पूरा जैसे सर फट गया, मतलब दिमाग तक चोट पहुंच गई। तो उसकी जो पत्नी है वो ऑलमोस्ट लाइक डिलीवरी के लास्ट पॉइंट पे थी। तो उनकी हेल्प करने वाले मतलब कोई पेरेंट्स नहीं, तो उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं थे। तो मतलब ये हस्बैंड वाइफ दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स थे, मतलब दोनों मतलब एक दूसरे को पसंद करते थे और मतलब साथ रहने लग गए और धीरे धीरे मतलब घर गृहस्थी बसा रहे थे। उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं था, तो हॉस्पिटल बिल की हेल्प करने वाला कोई नहीं था। और प्रॉब्लम क्या है, तो क्यों एक्सीडेंट हुआ, तो मतलब बारिश आ रही थी, तो मतलब वो मतलब अपना सर झुका के थोड़ा लाइक बाइक चला रहा था। तो दो लोग बस से उतरे, तो इस भाई ने उन दो दो लोगों को मार मार दिया मतलब अपने मोटरसाइकिल से, और वो खुद मोटरसाइकिल से छुटके मतलब गिर गया और उन दोनों को चोट पहुंची, इसको भी बहुत चोट पहुंची। और बिल्कुल मतलब इसके पास मतलब लाइसेंस नहीं, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। और तो दिमाग पे चोट पहुंची, वो अस्पताल में था। जब तक मतलब कोई इनका मतलब क्या कहते हैं गारंटर नहीं आएगा, तब तक इनका ऑपरेशन नहीं होगा। तो कोई जैसे इनकी फैमिली से कोई साइन करने वाला आएगा तभी ऑपरेशन हो सकता है। तो जब पति को चला कि उसके हस्बैंड का लाइक एक्सीडेंट हुआ, तो थोड़ा चर्च आ गई और फिर हम उसके साथ गए। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो ये भाई बेहोश था, उसके उसके कान से नाक से खून बह रहा था। तो वो पत्नी मतलब इतनी बेचारी घबराई हुई हो रही हुई थी कि वह मतलब उसे हाथ कांप रहा था, उसे साइन नहीं हो रहा था। तो मैंने उस बहन की जगह साइन कर दिया और फिर वो ऑपरेशन के लिए लेके गए उनको। तो मैं तब बहुत मतलब उम्र में छोटा था, मुझे नहीं पता था क्या करना है। मैंने 25 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की, तो मतलब मैं इतना छोटा था, मुझे नहीं पता था क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। और हम मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर क्यों आपने ऐसा होने दिया। तो मैंने कहा ये भाई शारीरिक अगर था तो भी आप इसका छोटा मोटा एक्सीडेंट होने देते, टांग वांग तोड़ देते, लेकिन मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट कि उसके दिमाग में चोट पहुंच गई। तो जब एक्सरे दिखाया तो मतलब दिमाग पे गहरी चोट आई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर मतलब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने फिर मुझे एक वचन याद दिलाया, थिस्सलुनीकियों की किताब, थिस्सलुनीकियों की किताब 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और
पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिखाया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो वचन कह रहा है कि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह पूरे पूरे सुरक्षित रहेंगे। इस वचन को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं मरेगा। तो मैंने मतलब थिएटर के बाहर ये वचन, तो उस भाई की पत्नी और एक और भाई था और उसकी कंपनी का एक और एम्प्लॉय था, तो मैंने वचन खोला और ये वचन को दिखाया और प्रचार किया। तो उन लोगों के मन में आशा देने की बजाय मैं अपने मन में आशा प्राप्त करना चाहता था। तो मैं ना केवल इस वचन को अपने मन में रखे हुए था, मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे इनके मन में भी ये वचन को प्रचार करना चाहिए ताकि मुझे और ताकत मिल सके। मैंने वचन प्रचार किया, प्रचार करने के बाद ये वचन मेरे मन में और पक्का हो गया और मेरे मन में विश्वास आया कि भाई नहीं मरेगा। और अद्भुत रूप से तो एक भाई का ऑपरेशन बड़े अच्छे से हो गया। और जब मतलब ब्रेन सर्जरी होती है तो सबसे जरूरी बात ये होती है कि पेशेंट कितना जल्दी होश में आ रहा है, वो बहुत जरूरी बात है। लेकिन बहुत धन्यवादी बात क्या थी, ये नेक्स्ट डे ये भाई होश में आ गया और उसके बाद मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। मतलब वो ऐसा हो गया कि अपना डेली लाइफ आराम से जी सकता। तो उसकी वाइफ बिल्कुल लास्ट स्टेज डिलीवरी पे थी मतलब, और उसी सेम हॉस्पिटल उसकी डिलीवरी हो गई और उनके पास मतलब पैसे नहीं थे हॉस्पिटल बिल के लिए। तो चाहे इस भाई की गलती की वजह से ऑपरेशन हुआ था, लेकिन जो जिस ऑफिस में काम करता था तो उस कंपनी के मालिक ने बोला कि ये जवान व्यक्ति है, मतलब मैं इसको सपोर्ट करूंगा, मैं सारा लाइक बिल पे कर दूंगा, बाद में तो मतलब बिल पे कर देना। तो उस जमाने में उस कंपनी के मालिक ने मतलब लीगली उसको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन $10,000 इसका लाइक हॉस्पिटल बिल पे किया। मतलब 30 साल पहले $10,000 लाइक बहुत बड़ी रकम थी। तो उस पैसे से मतलब उनके हॉस्पिटल का खर्चा सब खत्म हो गया और एक्चुअली वो विदाउट लाइसेंस चला रहा था उसको, मतलब उसको एक्चुअली उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिनको इसने चोट पहुंचाई थी उन्होंने मतलब कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांगा और साइन कर दिया कि मतलब नेगोशिएट कर लेते हैं हम। तो एक्चुअली कोरिया में क्या होता है कि एक पहाड़ दूसरा पहाड़ ऐसे दिखाई देता है, तो डिलीवरी सेंटर में एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ के बाद तीसरा पहाड़, ऐसे लाइक पहाड़ पहाड़ दिखाई देते हैं। तो उसको मतलब कुछ बोलते हैं कोरियन में, मतलब एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़। तो इस प्रॉब्लम के सामने मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ के बाद तीसरा पहाड़, लगातार प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अद्भुत बात क्या है, इस वादे के वचन में निर्भर करने के बाद परमेश्वर ने वो पहाड़ के बाद पहाड़ सारी समस्या सुलझा दी। और मेरे मन में क्या मन आया कि वादे का वचन कितना अद्भुत है। तो मैं कुछ अच्छा करूं या कुछ बुरा करूं तो वो कुछ भी नहीं, तो मैं नामक व्यक्ति जो भी हूं, मेरे अंदर जो है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोरिया में एक छोटी सी गाड़ी होती थी, उस गाड़ी का नाम लाइक टिको होता था। इंडिया में भी कोई छोटी सी गाड़ी होती होगी ना, नैनो गाड़ी जैसे। तो जब वो नई नई गाड़ी आई थी टिको गाड़ी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो इतनी छोटी थी। तो कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था तो मतलब उसने मतलब एक्सीडेंट दबाया और गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, क्यों नहीं आगे जा रही थी। तो बाद में पता चला कि
थी सड़क के ऊपर, च्युइंगम से टायर चिपक गया, इसलिए वो गाड़ी आगे नहीं जा रही। तो ऐसे करके लोग मतलब मजाक उड़ाते थे उस गाड़ी का। तो मतलब एक्चुअली ऐसा तो ऐसा नहीं होता ना कि च्युइंगम की वजह से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, सही है? मतलब ऐसी बातों से वो मजाक उड़ाते थे उस गाड़ी का। तो आप लोगों के अंदर जो कुछ भी बातें हैं वो उस च्युइंगम के समान, आप कितने भी कमजोर हैं या कमियों से भरे हुए हैं, क्या उसकी वजह से परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा? तो मेरे अंदर जो भी है वो च्युइंगम के समान है। तो क्या च्युइंगम किसी गाड़ी को आगे जाने से रोक सकती है? तो ऐसी बातों से बंधना कितनी मूर्ख बात है। तो मेरी कमियों कमजोरियों से बंधना कितनी बड़ी मूर्ख चीज है। तो ना केवल ये, मैं जिस तो आप सोचते होंगे हाँ उस पास्टर के पास तो ऐसी परिस्थिति है इसलिए परमेश्वर काम कर रहा है, मेरी परिस्थिति तो अलग है। तो वो सारी च्युइंगम जैसी बातें हैं, क्या उस वजह से परमेश्वर काम नहीं कर सकता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने जब वादे की ताकत को आविष्कार किया तो मुझे पता चला कि मैं जो भी उसके बावजूद अगर मैं परमेश्वर के वादे में निर्भर करूंगा तो मेरी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं, कुछ भी क्यों ना हो सब कुछ सुलझ सकता है। तो मैं आपको मतलब ऐसी सारी बातें अगर बताना शुरू हो जाऊंगा तो पूरी रात भी कम पड़ेगी। तो फिर जब मैं शनान में शिफ्ट हुआ तो वहां पे चैपल बनाना था, तो वो भी मतलब मैं बहुत लाइक उम्र में मेरी बहुत छोटी थी, छोटी उम्र में चैपल बनवाना मुझे बहुत बोझ लग रहा था। तो मैंने क्या सोचा, तो मैंने कहा कि चलो आसपास बहुत सारे बुजुर्ग पास्टर्स हैं तो जैसा वो मुझे बताएंगे मैं उनसे सुन के करता रहूंगा। तो मेरे पास विश्वास नहीं है तो मैं उन पास्टर से अनुग्रह पाऊंगा और जैसा वो बताएंगे वैसा करता जाऊंगा। लेकिन मतलब काम हो नहीं पा रहा था। तो जो काम मतलब आसानी से हो जाने चाहिए वो भी मतलब उलझते जा रहे थे। तो मैंने क्या रियलाइज किया, तो एक्चुअली मेरे अंदर कुछ अच्छा करने का मन नहीं था, ना तो मेरे अंदर ऐसा घमंडी मन था कि मैं कोशिश करूंगा तो कर लूंगा। तो मेरे मन में ऐसा मन था कि मैं कमजोर हूं इसलिए मुझे अनुग्रह की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर ने काम नहीं किया। तो मैंने क्या रियलाइज किया, तो चाहे मैंने अनुग्रह पाने का मन रखा है, अगर मेरे मन में विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो अनुग्रह पाने का मन एक्चुअली में अच्छा मन है, लेकिन केवल वो काफी नहीं है तो स्वर्ग जाने के लिए। तो केवल अनुग्रह पाने के मन से आप स्वर्ग जा सकते हैं? तो पापों की क्षमा का विश्वास अगर आपके पास नहीं है तो आप स्वर्ग जा सकते हैं? तो कितना भी आप अनुग्रह पाने का मन रख लें, पापों की क्षमा का विश्वास होगा तभी आप स्वर्ग जा सकेंगे। तो बिना विश्वास अनुग्रह पाने का मन कोई फायदे का नहीं। तो बहुत सारे पास्टर्स, हाँ मेरे पास विश्वास नहीं है, और बहुत सारे समोनिम्स, हाँ मेरे पास विश्वास नहीं है इसलिए मुझे अनुग्रह चाहिए। तो परमेश्वर उस मन में काम नहीं करता, उसके साथ और क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो जब मैं चैपल बना रहा था तो एक्चुअली ये वो मैंने कभी कुछ किया नहीं था, मुझे बहुत बोझ लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आसपास के सेवकों से अनुग्रह पाना है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह नहीं दिया और उल्टा बहुत प्रॉब्लम्स आ गई। तो मैंने क्या रियलाइज किया, केवल अनुग्रह पाने का मन काफी नहीं है, मेरे मन में जब तक स्पष्ट विश्वास नहीं होगा परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो जब तक मैं अनुग्रह पाने का मन रख रहा था तब तक कुछ काम नहीं हुआ। तो फिर से मैंने परमेश्वर के वादे पे निर्भर किया, और कोई रास्ता नहीं था। तो परमेश्वर के वादे पे निर्भर करने के अलावा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो पास पाक ने मतलब मिशन स्कूल में बार बार हमको एक बात बताई थी, तो जो मुर्गी है वो तब तक नहीं उड़ेगी जब तक कुत्ता उसके पीछे भागेगा। तो कभी कभी जैसे बच्चे मुर्गियों के पीछे भागते हैं तो
मुर्गियां कूदती रहती हैं, कूदती और दौड़ती रहती हैं, वो उड़ के पेड़ के ऊपर नहीं बैठ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब कोई कुत्ता मुर्गी का पीछा करता है तो मुर्गी एकदम से उड़ के छत के ऊपर बैठ जाती है, पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। तो क्या है, हम भी जब हम बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुंचते हैं कि मरने की हालत है, तब तक हम विश्वास से नहीं जीते। तो मैं भी जब ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया कि बस अब कोई रास्ता ही नहीं है, विश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो उससे पहले मैं अनुग्रह पाने का मन रख रहा था। हाँ, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए और जब ऐसी हालात पैदा हो गई कि विश्वास के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तब मैंने विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाया। तो तब परमेश्वर ने मुझे क्या वादा दिया, मत्ती 18। मत्ती 18 का 18 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। 18 वचन, 18 वचन ने एकदम से मेरी सोच को बदल के रख दिया। तो मैं सोचता था, अरे परमेश्वर ये प्रॉब्लम सुलझा दो, परमेश्वर आपको अनुग्रह देना होगा, मैं रोज ये सोचता था। लेकिन वचन ये नहीं बोल रहा है, वचन कह रहा है कि तू पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो पृथ्वी पर तुम खोलोगे स्वर्ग में। तो मैं ऐसा सोचता था कि परमेश्वर जब स्वर्ग में खोलेंगे तभी तो यहाँ पे खुलेगा, लेकिन वचन कह रहा है कि पहले तुम पृथ्वी में खोलो तो स्वर्ग में खुलेगा। तो दूसरे शब्दों में, अगर मैं अपने मन में से खोल देता हूँ तो फिर वो खुल जाएगा। तो क्या केवल विश्वास रखना काफी है? तो चाहे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है पहाड़ के समान, तो उनको एक तरफ रखें, तो क्या मैं अपने मन में विश्वास रखूंगा तो क्या सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी? तो परमेश्वर ने बोला कि अगर तेरे मन में खोल लिया तो सब कुछ मैं खोल दूंगा। तो मैं तब तक परमेश्वर को बोल रहा था, परमेश्वर की खोल दो, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे नहीं खोलना है। तो अगर तू अपने मन में विश्वास रखे और इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, तो मैं आकाश में तो खोल दूंगा। तो मैं पहले बोला था, परमेश्वर आप मदद करो, परमेश्वर आप इसको सुलझा दो, लेकिन परमेश्वर बोला कि तुम अपने मन में विश्वास रखो। तू अगर अपने मन में इस प्रॉब्लम से खुल जाएगा तो मैं उसे स्वर्ग में भी खोल दूंगा। तो तब मेरा स्तर बदल गया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं विश्वास रखू तो अगर मैं इसको पृथ्वी पर खोल दू तो वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। तो चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी, लेकिन मैंने अपने मन में विश्वास रखा और मैंने अपने मन में से खोल दिया, और चमत्कारी कार्य उत्पन्न हुए। तो जो प्रॉब्लम्स नहीं सुलझी थी वो एक एक करके सुलझ गई। तो ये परमेश्वर के वादे की दुनिया है। तो अगर मैं ये बातें करना शुरू हो गया तो आज मैं पूरी रात भी बातें कर सकता हूँ। तो अगर आपको सेवकाई करनी है तो अब्राहम के समान, तो आपको वादे पर निर्भर करना आना चाहिए। तब तो आप खुद से भी नहीं बदलेंगे, अपनी कमियों घटियों से भी नहीं बदलेंगे, परिस्थिति से भी नहीं बदलेंगे, और आप परमेश्वर के वादे पर निर्भर कर सकेंगे। तो ऐसे वेगली आशीष पाने का मन रखने की बजाय, तो बिना विश्वास के अनुग्रह पाने का मन रखना बेकार है। तो वो विश्वास तो पहले स्वर्ग में परमेश्वर खोलना हो, ऐसा नहीं है, पहले मेरे मन में
पृथ्वी में मुझे खोलना होगा। तो अगर मैं अपने मन में परमेश्वर के वादे पे विश्वास कर रहा हूँ तो मेरा मन उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, तब परमेश्वर उसको स्वर में खोल देगा। तो ऐसी अद्भुत परमेश्वर के वादे की दुनिया है, लेकिन शैतान हमारी आंखें बंद कर देता है और हमें खुद की ओर देखने देता है। हाँ, आज मैं विश्वास में जिया या नहीं जिया, मेरे पास विश्वास है या नहीं है, अपने पति को देखते हुए हमारे मेरे पति के पास विश्वास है या नहीं है, तो मेरा पति सेवकाई करने लायक है या नहीं है, तो मेरे पति को देखे तो लगता नहीं है इसकी सेवकाई लंबी चलेगी, तो ऐसे पति में विश्वास करके मैं कब तक इस मार्ग पे चलूं। तो ये बहुत सारी सोच हमारे मन में आती है। तो आप इंसान को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं। अगर आप अपने मन में परमेश्वर वादे की ओर देखेंगे तो वादा हमेशा हमें आशा देता है। तो बाइबल में अद्भुत परमेश्वर का वादा है। तो अगर आप इस बाइबल को बहुत पढ़ेंगे तो जब भी आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे परमेश्वर का वादा आपको याद आएगा और आप अपनी प्रॉब्लम को उस वचन से जोड़ सकेंगे। तो मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि बाइबल बहुत पढ़ना जरूरी है, तो ये सारे जो परमेश्वर वादे हैं किसी ने नहीं बताया कि तुम इस पर विश्वास करो। तो जब जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है ये वचन मुझे याद आए और ये वचन मेरे मन से जुड़ सके और मेरी प्रॉब्लम सुलझ सके, कोई और मेरी जगह काम नहीं कर सकता। तो जो लोग मतलब सेवकाई मुश्किल चल रही है, आप परेशानी में परीक्षा में है, तो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं परेशानियां हैं लेकिन वादे का वचन आपके पास नहीं, तो आपका मन मतलब वादे से जुड़ा नहीं है, केवल प्रॉब्लम है, केवल मुश्किल है, इसलिए मतलब आप मुश्किल में हैं। तो आप लोगों की जो संपत्ति है वो बाइबल को बहुत पढ़ना है, चाहे कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो परमेश्वर के वचन से जुड़नी चाहिए आपके मन में, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, सारी समस्याएं परमेश्वर के वादे से जुड़नी चाहिए। लेकिन जब आपके मन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आप उसको किससे जोड़ेंगे, बस वो प्रॉब्लम आपके मन में बाकी रह जाएगी और आप उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे और आप हार मान लेंगे, इसलिए आपका आत्मिक जीवन मुश्किल हो जाएगा। और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, वादे पे निर्भर कीजिए, और अगर आप उस परमेश्वर का आविष्कार करेंगे जो वादे के अनुसार काम करता है तो आप हर प्रॉब्लम पे जीत ना सकते। आपकी प्रॉब्लम, आपकी परेशानियां आपके मन में बहुमूल्य गवाहियों के रूप में बाकी रह जाएंगे। तो अब्राहम ने ऐसे आत्मिक जीवन को सीखा, तो उसने वादे पे निर्भर करने का आत्मिक जीवन सीखा और वादे पे निर्भर करने का आत्मिक जीवन उसके मन में बढ़ सका। और बाद में अब्राहम के साथ क्या हुआ, तो चाहे मतलब उसकी देखी मरी हुई सी दशा थी लेकिन वो कमजोर नहीं हुआ। क्यों उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ? रोमियो 4 का 19 वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के घर की मरी से दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब्राहम मतलब वादे पे विश्वास करने के मन में बढ़ चुका है,
उसके मन में पक्का विश्वास था कि परमेश्वर जो वादा करता है उसे वो पूरा भी कर सकता। तो इसीलिए चाहे उसकी देह की मारी हुई दशा थी, लेकिन फिर भी वो मतलब अपने विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। तो अगर आप इस विश्वास की दुनिया को सीख जाएंगे तो आप मतलब अब्राहम के समान अद्भुत विश्वास के जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हाँ इस वजह से नहीं हो सकता, उस वजह से नहीं हो सकता, जहां मेरा चर्च है उस एरिया में ये समस्या है, इस वजह से, उस वजह से नहीं हो सकता, तो क्या च्युइंगम टायर से चिपक जाएगी तो क्या गाड़ी आगे नहीं जाएगी? ये नॉनसेंस बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर का वादा, तो आपकी कोई भी परिस्थिति पे वो जीत पा सकता है। तो आप कैसे भी सिचुएशन में हो, परमेश्वर का वादा उस सिचुएशन में आपको बाहर निकाल सकता है और वो अपने कार्य को पूरा कर सकता है। तो अब्राहम ने वादे के अनुसार काम करने वाले परमेश्वर को आविष्कार किया, इसलिए अपने और सारा के घर की मरी हुई दशा जानकर भी वह विश्वास में निर्बल ना हुआ। तो आप इस विश्वास को सीखिए, अपने आप क्या है, कौन है, उसे मत बंधिए, अपनी परिस्थिति में मत बंधिए, आप अद्भुत विश्वास का जीवन जी सकेंगे। तो इंडिया में हमारे जो पास्टर समनिम्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, आप इस विश्वास को सीखिए, अपने आप से मत बंधिए, परिस्थिति से मत बंधिए, और विश्वास से आप आगे बढ़िए। आमेन। धन्यवाद सबको, हम प्रार्थना करेंगे।